नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य करिश्मा कौशिक। नया साल आपकी ज़िंदगी में नई उमंग, नई तरंग लेकर आए। नया साल आपके लिए बेहतर साल हो, 2020 की टीज भुलाकर आप भी बना सकते हैं 2021 को उम्मीदों वाला 21। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। तो किसी भी जातक की कुंडली में तीसरा, छठा, दसवां भाव करियर के लिए सफलता, प्रयास और आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। तो सबसे पहला उपाय, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसको तरक्की, सफलता हर एक मोड़ पे मिले। मगर क्या आप जानते हैं, हम उपाय तो ज़रूर करते हैं, मगर सबसे अधिक ज़रूरी होता है कि हम अपने कर्म भी करें। यदि आप अपने कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सफलता के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने कर्म तो करने ही करने हैं, साथ ही साथ आपको हर कार्य आरंभ करने से पहले माँ भगवती का ध्यान अवश्य करना है। मंत्र का जप जरूर करें, ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जप करें जरूर जब भी आप कोई भी कार्य आरंभ करें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो नौकरी करते हैं, तो नया साल उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। नौकरी में अड़चनें आ रही हैं, करियर थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो नौकरी में आप सफलता के लिए ऐसे हर जातक को गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए और साथ ही तुलसी की आराधना भी करनी चाहिए। घर में अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें, साथ ही उनकी सेवा आपको आशीर्वाद दिलाएगी जिससे आने वाली सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। अगर नौकरी में समस्या आ रही है तो पक्षियों को हर शनिवार सत अनाज जरूर खिलाएं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी नौकरी में तरक्की जरूर प्राप्त हो, प्रमोशन हो जाए, और एक हर व्यक्ति के मन में होता है कि आने वाला साल क्या उसकी प्रमोशन को लेकर आ रहा है या नहीं। अगर आपकी भी प्रमोशन ड्यू है और आप बहुत लंबे समय से प्रमोशन पाने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों के लिए बेहतर रहेगा कि आप लोग हर शनिवार शनि देव की उपासना करें और साथ ही साथ किसी भी शनि मंदिर में जा कर के काले तिल, सरसों का तेल और काले वस्त्र अर्पित करें। साथ ही साथ भगवान शनि के मंत्रों का जप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम शंख शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपके कार्य में आ रही सभी बाधाएं समाप्त शीघ्र ही हो जाएंगी। गौ माता की सेवा करना, ऐसा कहा जाता है कि हर देवी देवता की सेवा कर ली, तो इसीलिए जब भी आप अपने ऑफिस जाएं या ऑफिस से घर वापस आ रहे हों, अगर आपको कहीं पर भी गौ माता नजर आए तो गौ माता को आप आटा या फिर गुड़, इसके अलावा आप हरा चारा भी खिला सकते हैं। तो बात करते हैं उन जातकों की जिनके पास सही नौकरी भी है और साथ ही साथ इंक्रीमेंट भी टाइम पर हो जाता है, मगर जहां पर उनका मन चाहा स्थान होता है वहां पर उनको ट्रांसफर नहीं मिलता। इसकी वजह से आपको जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो ऐसे जातकों के लिए कि सोमवार के दिन आप लोग कनिष्ठा उंगली में अर्थात सबसे छोटी उंगली में चांदी में आप एक मोती धारण करें। ऐसा करने से आपकी जो नौकरी है वो मन चाहे स्थान पर जल्दी ही ट्रांसफर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप मंगलवार या रविवार के दिन अपने ट्रांसफर की मनोकामना करते हुए एक जटा वाला नारियल लाल रंग के वस्त्र में किसी भी नदी में प्रवाहित करते हैं उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, तो ऐसा करने से भी आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। घर में पिता के साथ साथ बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और कुछ ना कुछ उपहार उन्हें ज़रूर दें। इससे वो तो खुश होंगे ही और साथ ही साथ आपको दिल से आशीर्वाद भी देंगे और यही आशीर्वाद आपकी हर समस्या का हल बन जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं अपने करियर में सफलता पाना, अगर आप चाहते हैं अपने करियर को सातवें आसमान पे पहुंचाना, तो कुछ बात करेंगे छोटे छोटे उपायों की जो कि आपको अपनी राशि के अनुसार करने से बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपको सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आप लोगों के लिए इस वर्ष ग्रहों की स्थिति काफ़ी हद तक अनुकूल प्रभाव देगी। यदि आप कोई भी नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो इसके लिए ये वर्ष काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ जो पहले से ही कार्य कर रहे थे उनके कार्य में उनको विकास प्राप्त होगा, यानी उनका कार्य जो है तेज़ गति से आगे भी बढ़ पाएगा।
जनवरी, अप्रैल और सितंबर के महीने आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहीं पे अगर हम बात करें आप लोगों को उपाय क्या करना है, तो आप लोग हर मंगलवार बजरंग बली की उपासना करें और साथ ही साथ नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति आपसे काफ़ी हद तक मेहनत करवा सकती है। कार्यस्थल पे आपका प्रदर्शन जो रहेगा वो सराहनीय रहेगा। अधिकारियों से आपकी साल भर बनी रहेगी। मई और अक्टूबर का समय संभल करके काम करें। इसके साथ साथ अगर हम बात करें उपाय की, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के आप घर से निकले, साथ ही हर शुक्रवार के दिन आप मीठी वस्तुओं का दान करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। तो नव वर्ष में आपके लिए क्या लेकर के आया है, तो देखिए नव वर्ष में आप कोई भी कदम अगर उठाएं तो सोच समझ के उठाएं। ऐसा करने से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे इस वर्ष, और साथ ही साथ जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वर्ष काफ़ी हद तक नए अवसर लेकर के आएगा। आपके लिए मार्च से सितंबर तक का समय काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण होगा। इस समय पर आपको तरक्की भी प्राप्त होगी। उपाय आप लोगों के लिए क्या खास रहेगा, आप लोग हर बुधवार गणेश जी की आराधना करें और साथ ही साथ गौ सेवा करें। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। नया साल आप लोगों की प्रमोशन के लिए काफ़ी प्रबल संभावना दिखा रहा है। सरकारी और नई नौकरी के काफ़ी हद तक आपको अवसर प्राप्त होंगे। वहीं पे अप्रैल से लेकर के सितंबर तक के महीने में आपको संभल करके काम करने की आवश्यकता है। उपाय की अगर हम बात करें तो शिव चालीसा का पाठ करें और साथ ही साथ आप अपने घर के पूजा स्थल पे एक मोती शंख स्थापित करें और नियमित रूप से इस शंख की उपासना करें। ऐसा करने से आपको आ रहे बाधाएं जो हैं वो समाप्त होंगी। तो अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। नया साल आपके करियर के लिए काफ़ी शुभ है। ग्रहों की स्थिति आपसे मेहनत तो करवाएगी मगर भरपूर लाभ भी प्राप्त करवाएगी। अप्रैल और मई का महीना आपके लिए कड़ी चुनौतियों भरा साबित हो सकता है। इस समय पर यदि आप मेहनत करते हैं तो हर कड़ी चुनौती का सामना आप आराम से कर सकते हैं। उपाय आपके लिए क्या खास रहेगा, भगवान सूर्य नारायण की आराधना आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। तांबे के पात्र में जल में कुमकुम मिलाकर के सूर्य देव को अर्घ दें और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आपके लिए नया साल मिला जुला फल लेकर आ रहा है। अपनी क्षमताओं के विकास का अच्छा समय है। नई चीज़ सीखने के लिए आपके लिए समय काफ़ी हद तक लाभकारी साबित होगा। अप्रैल और सितंबर का महीना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोगों के लिए उपाय क्या खास रहेगा, बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल आप गौ माता को अवश्य खिलाएं और साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे आपको लाभ शीघ्र ही प्राप्त होगा। तो अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। नया साल आपके लिए काफ़ी शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। करियर को नई ऊंचाई मिलने वाली है। साथ ही नया साल साझेदारी और निवेश के लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का समय आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। आप लोगों के लिए उपाय करना क्या खास रहेगा, आप लोग घर से निकलते समय कपड़ों पर इत्र ज़रूर लगाएं और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की आराधना नियमित रूप से ज़रूर करें। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। नया साल नौकरी के साथ साथ हर क्षेत्र में आपके लिए सफलता लेकर के आ रहा है। नई नौकरी के साथ साथ पदोन्नति भी आपको मिलेगी। वहीं पे जो जातक विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए अक्टूबर के बाद का समय काफ़ी हद तक लाभकारी रहेगा। आप लोगों के लिए उपाय क्या खास रहेंगे, घर से निकलते समय केसर और हल्दी का तिलक लगा करके जाएं और साथ ही साथ मंगलवार के दिन बजरंग बली को गुड़ और चने का भोग लगाएं या फिर बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। तो अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की।
आप लोगों के लिए ये वर्ष काफ़ी हद तक शुभ संयोग लेकर के आ रहा है। करियर में नया साल आपके लिए अनुकूल रहेगा, स्पेशली उन जातकों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं। मई से लेकर के सितंबर तक का समय आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण होगा। आप लोगों को उपाय क्या करना है, आप लोग केले के पेड़ पे हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें और साथ साथ बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। तो नया साल आप लोगों के लिए काफी शुभ अवसर लेकर के आ रहा है। नए साल में सफलता मेहनत के बाद ही मिलेगी, प्रमोशन के शुभ योग बन रहे हैं। इसके साथ साथ अगर उपाय की हम बात करें तो आप लोगों को चींटियों को आटा अवश्य खिलाना है और साथ ही साथ सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना है। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। नया साल थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है आप लोगों का। सफलता के लिए थोड़े ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। नया व्यापार शुरू करने से बचें, इस वर्ष सरकारी नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। आप लोगों के लिए क्या खास रहेगा, यदि आप लोग नारियल का दान करते हैं और साथ ही साथ काली मछलियों को बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं तो आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। इसके साथ साथ आप भगवान शनि देव की भी आराधना अवश्य करें। तो चलिए बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि के जातकों की। आप लोगों के लिए ये वर्ष काफ़ी हद तक खास रहने वाला है। जो लोग अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही खास है, क्योंकि मनचाही नौकरी और साथ ही साथ प्रशासनिक नौकरी के आपको अवसर प्राप्त होंगे। वहीं पर जो लोग भोजन, रत्न, कपड़ा इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी हद तक मुनाफे वाला साबित हो सकता है। नवंबर के महीने में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, या फिर अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो नवंबर से आपके विदेश यात्रा के योग भी बन जाएंगे।